శ్రీ శ్రీమద్ భక్తివేదాంత శ్రీలో నారాయణ గోస్వామి మహారాజ్ చరణ సరజలు శ్రద్ధ పుష్పాంజలి అర్పణ కర్తా ఉపస్థిత వైష్ణవ సభికి జాజిత ప్రణామ కర్తా హరి కృష్ణ. గతకల్ శ్రవణ కలిగితే శ్రీ రూప గోస్వామి ఉపదేశామృతమే ఏక శ్లోకం ద్వారా శాస్త్ర కా సారే సిద్ధాంత కో బతారే వో శ్లోక హే బలే తన్నామ రూప చరితాది సుకీర్తనాన క్రమేణ రసనా మనసు జజ్ తిష్కర్ణ ప్రజేత దానురాగి జనానుగామి కాలం నైద అఖిలైతి उपदेश सार। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, श्री रूप गोस्वामी कहते हैं पहले हमारी निष्ठा किसमें होनी चाहिए, भगवान का नाम में होनी चाहिए। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि साधन रे बद्ध श्रेष्ठ नव विद्या भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण नित्य धरे महाशक्ति तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरापराध नाम लहले पाए प्रेम धर। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते जितने सारे भक्ति अंग में श्री रूप गोस्वामी कहते 64 भक्ति अंगों को श्रेष्ठ रूप में बताया, फिर उसका सार रूप में 9 तरह का भक्ति को बताए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्य सख्या आत्मनिवेदन, ये 9 तरह का भक्ति। फिर उसको जब सारांश रूप में लिए फिर 5 तरह का भक्ति बताया, नाम संकीर्तन मथुरावास साधु संत भागवत श्रवण और श्रीमूर्ति श्रद्धया श्रीमूर्ति से। इसलिए कहते सकल साधन श्रेष्ठ के पंच अंग कृष्ण प्रेम उपज ज्ञान अल्पसन। अगर ये 5 तरह का जो भक्ति अंग हो अगर थोड़ी सी श्रद्धा पूर्वक उपज करे तो उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्त हो जाए। उसको सारा स्वरूप में 3 तरह का भक्ति बता रहे, श्रवण कीर्तन और स्मरण। लेकिन श्रवण कीर्तन और स्मरण में जबकि तीनों में जब सार रूप में बताए बोले तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, ये जितने सारे भक्ति अंग में सर्वश्रेष्ठ जो भक्ति का अंग ये हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जो 3 तरह का जो भक्ति अंग बताया आप मेरे तरफ में देखो, जैसे श्रवण कीर्तन और स्मरण, श्रवण कीर्तन और स्मरण। लेकिन तीनों को भक्ति अंग में जो बीज बिना कीर्तन को हमने बीज में रखा, बोले कीर्तन को हमने बीज में क्यों रखा, बोले कीर्तन करने से जो कीर्तन करेंगे वही कान में जाएगा, जो कीर्तन करेंगे वही तो कान में जाएगा, तो कीर्तन से क्या हो गया श्रवण हो गया। अभी जो कीर्तन किया और जो सुना उसको तो स्मरण करेंगे, किस चीज को स्मरण करेंगे, जो बोलेंगे और जो सुनेंगे उसको वही हम स्मरण करेंगे, उसी को ही हम स्मरण करेंगे। इसलिए बताए कृष्ण कीर्तन करने से ये सारे भक्ति का अंग अपने आप हो जाता है। लेकिन किसी ने कहा, वो प्रश्न करते हैं कहते आप कीर्तन को श्रेष्ठ कैसे बना दिए, बोले क्यों, बोले अगर सर्वश्रेष्ठ हो तो स्मरण, आप देखो कीर्तन का आसानी से बैठ कर लेते हो लेकिन आप स्मरण करने के लिए बैठो, अब स्मरण करने के लिए बैठो मान इतने चंचल इतने चंचल है, बोले तस्याह मित्रह कन्य पायो एव सुदुष्करम, हम पायु को कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन मन को नहीं कर सकते, इतने मन चंचल है। इसलिए आप स्मरण करने के लिए जाओ आंख बंद करो, सब जो बैठ कर क्या नहीं करेंगे, लेकिन ठाकुर थोड़ा चरण चिंतन चिंतन करें
पास आंख बंद करते स्मरण करते गुरु मंत्र, गुरु मंत्र स्मरण करते ही पता नहीं मन कहां पर आधा घंटा राधा रमण लाल की, आधा घंटा बाद में देखते हैं ना मन तो यहाँ गए, यहाँ मन तो है ही नहीं, मन तो और गए। ये मन इतनी चंचल, ये मन ही किसने बोले ये स्मरण सबसे कठिन है, ये कीर्तन तो आसानी से कर, कीर्तन को तो हम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जो स्मरण है करना बड़ा कठिन है। इसलिए बोलता है स्मरण सर्वश्रेष्ठ, बोलने स्मरण सर्वश्रेष्ठ नहीं, बोले एवरेस्ट में चढ़ना भी बड़ा कठिन है, एवरेस्ट में चढ़ना भी बड़ा कठिन है। इसलिए क्या बोलते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, कोई काम सर्वश्रेष्ठ परिश्रम से होता है इसका मतलब नहीं वो सर्वश्रेष्ठ हो गया है, वो सर्वश्रेष्ठ नहीं, बोले जो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं परम विजय के श्री कृष्ण संकीर्तनम, जितने सारे भक्ति अंग में जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति अंग है भगवान का नाम कीर्तन। अब देखो आप भगवान नाम कीर्तन करो, स्मरण करने के लिए बैठ नहीं दिया जाता, मन कभी इधर उधर भाग जाती है। यहाँ कथा में भी बैठे हैं, हम कथा में भी यहाँ बैठे हो, लेकिन कभी कभी दिखाई पड़ता है कि कथा में बैठे हैं लेकिन जो मन है ना घर में, पता नहीं बच्चे क्या कर रहे हैं, पति को भोजन मिला कि नहीं घर में, लेकिन बैठे यहाँ पर लेकिन जो मन कहाँ पर है, मन घर में, मन घर में। लेकिन आप देखना जब हम कीर्तन करते हैं सबके सब मिलकर भी जोर जोर से कीर्तन करो, ये मन कहीं नहीं जाता, ये मन कहीं नहीं जाएगा। अगर नींद आती होगी ना जग जाओगे, आलस्यता आती होगी तो शरीर में एनर्जी आ जाएगी, अगर मन कहीं इधर उधर भटकता हुआ होगा आप जोर जोर से कीर्तन करो देखना मन एकदम एकाग्र हो जाती है, मन मन एकाग्र हो जाती है। इसलिए यहाँ पर बताए जितने सारे भक्ति अंग में सर्वश्रेष्ठ भक्ति अंग क्या है, हरि कीर्तन। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कितना कुटिल अरुण पूर्व भागे तीज मनी गोरा का मन जागे भक्त समूह लई आ सकते गोरा के ना नगर व्रज। इसलिए सूर्य उदय होते ही कुटिल अरुण महाप्रभु जल्दी उठते हैं और अपना परिकर हम भक्त लोगों को जाकर के वृदक और बजरा ले लेते हैं। महाप्रभु क्या करते हैं सर्वत्र उठने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। महाप्रभु ये कीर्तन सर्वत्र करते हैं और कीर्तन से क्या होता है जितने वायु जितने वातावरण वो सबके सब पवित्र हो जाता है कीर्तन से। इसलिए गुरुदेव उदाहरण देते हैं जैसे एक पत्थर उठाओ, ये पत्थर को पानी में फेंको, देखना पानी में क्या होगा, पानी में लहरें आएगी, वो लहरें धीरे धीरे अंतिम छोर को स्पर्श करेगा फिर लहरें आएगी फिर लहरें आएगी। क्या तो उसी तरह जब हम उच्च कीर्तन करते हैं उससे क्या होता है कि जितने वातावरण हैं जितने दूर तक ये नाम की ध्वनि है जितने दूर तक ये नाम की आवाज गूंजेगा उतना दूर तक कोई अमंगल नहीं रह सकते हैं, सारे पाप हो जाता है। इसलिए जब श्री हरिदास ठाकुर जी को प्रश्न किया बोले क्यों हरिदास जी हमने सुना भजन तो मन मन में करनी चाहिए, तू तो ये चिल्ला चिल्ला करके हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो ये चिल्ला चिल्ला कर क्यों कर रहे हो, क्या दूसरे को बताना चाहते हो हम बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं हम। तो हरिदास ठाकुर ने क्या उत्तर दिया बोले तुम बताओ एक व्यक्ति कमा करके खुद खाता है और एक व्यक्ति कमा करके पूरा परिवार को खिलाता है, बताओ तो वो दोनों में बड़े कौन है, बोले जो परिवार को खिलाता है वो बड़े है। बोले उसी तरह जो व्यक्ति मन मन में हरिनाम करता है या तो अपना कल्याण सोचता है, लेकिन जो व्यक्ति उच्च स्वर से हरिनाम करता है
पशु पक्षी पेड़ पकड़े लता पता ये कोई हरिनाम नहीं कर सकते हैं, केवल इंसान ही हरिनाम कर सकते हैं। इसलिए जब ये भगवान का नाम जब उनको कहना पड़े उनका भी कल्याण होता, उनका भी कल्याण होता है। तब उन्होंने पुराण से एक श्लोक को उठा कर बताया, बोले जब तो हरिनामा निस्थानी सत गुणाधिक। वो कहते हैं जो मन मन में हरि नाम करते हैं उनको जो फल मिलता है, जो उच्च स्वर में हरि नाम करते हैं एक गुणा नहीं उनको सौ गुणा ज्यादा फल मिलता, सौ गुणा ज्यादा फल मिलता। इसलिए हरि नाम तीन तरह का बताया हरिदास ठाकुर, तीन तरह का हरि नाम करते थे। बोले तीन तरह का कैसे करते थे, बोले एक लाख हरि नाम तो करते थे जोर जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक लाख हरिनाम जोर जोर से करते थे। और एक लाख हरिनाम उपास, उपास मतलब है जो केवल अपना कान तक सुनाई पड़े, है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक लाख हरिनाम कैसे करते थे, अपना मानस मन मन में हरिनाम करते थे। ऐसे ही वो तीन लाख हरिनाम करते थे श्री हरिदास ठाकुर। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं हमारी निष्ठा किसमें होनी चाहिए, हरिनाम का प्रति हमारी निष्ठा, हरिनाम के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी श्री बृहद भागवत अमृत कहते हैं, जयति जयति नामानंद पितरुरारी। जब उन्होंने हरिनाम की हरिनाम की महिमा बता रहे हैं, और एक बार जय शब्द नहीं बोले उन्होंने, क्या कहते हैं, बोले जयति जयति हरिनाम। उन्होंने दो बार जय उन्होंने दिया है, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय जयकार हो, श्री हरिनाम संकीर्तन की। तब श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं जैसे हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, कितने ज्ञानेंद्रियां हैं, पांच, बताओ क्या, बताओ क्या क्या हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां, बोलो कौन बोले हाथ, बोलो पांच ज्ञानेंद्रियां हमारी क्या क्या है, बोलो जोर जोर से, बोलो जोर जोर से, द्वारा कैसे जीव का कल्याण करता है। उन्होंने उदाहरण दिया चक्षु, अगर कहीं हरे कृष्ण नाम लिखा होता है, इसलिए श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कहते हैं, आप देखना मन बड़ा चंचल है, सर्व भजन मन नहीं मिलता। वो कहते हैं अगर पहले पहले अगर तुम हरि नाम मन को धीरे धीरे हरि नाम पे लगाना चाहते हो ना, इसका सरल उपाय क्या है, वो बोलते हैं एक जगह पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, एक जगह पर ही हरिनाम को लिख दो। हरिनाम को लिख करके एक वो हरिनाम को देख देख करके हरिनाम करो, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, सब देख देख कर हरिनाम करो। क्यों, अभिन्नत्वात् नाम नामिने, भगवान और उनका जो नाम है वो एक ही है, कोई फर्क नहीं है हमारे नाम में और हम में फर्क है, फर्क है ना। अगर हमारा नाम को अगर कोई दूसरा जगह पर होता है हम आवाज दे सकते हैं, जा सकते हैं, नहीं जा सकते, लेकिन भगवान का नाम कितना, द्रौपदी ने जब नाम पुकारा झट आ गए घनश्याम, हरि से बड़ा हरि का नाम है, इसलिए गजराज पुकारा आन आन नाम। जब हाथी को जब मगरमच्छ ने पकड़ा उसने केवल ना रा, वो इड़ा अभी तक बोले नहीं, केवल ना रा केवल दो अक्षर उसने उच्चारण किया, कहते भगवान को जीवन में दो बार जल्दी बची, कितना बार जल्दी बची,
दो बार मतलब कब कब हमको भगवान को जल्दी बचिए, एक बार में द्रौपदी का रक्षा करनी है और दूसरे बार में हाथी को उद्धार करना है। प्रभु का सबसे जल्दी दो बार प्रभु को लगी है, हैं द्रौपदी जब वस्त्र हरण हो रही थी, जब द्रौपदी ने भगवान को दोनों भुजाओं को उठा कर दिए, हे गोविंद नाथ शरण अब तक जीवन हरी, जब उन्होंने पुकारा कि घोरा हस्तिनापुर में, लेकिन कृष्ण कहाँ पर थे, कृष्ण थे द्वारका में, कृष्ण थे द्वारका में, कृष्ण थे लेकिन बड़ी तेजी से भगवान आए वस्त्र रूप में। अब जब हाथी ने भगवान को पुकारा एक कमल फूल लेकर के, जब भगवान को अर्पण किया, भगवान कहाँ पर थे, वैकुंठ में, भगवान वैकुंठ में थे, इसलिए उन्होंने नारा केवल दो अक्षर उन्होंने बोले, भगवान ने देखा मेरे जाने में मेरे को देर हो चुकी है, इसलिए भगवान ने क्या किया अपना चक्र को भेज दिया, अपना चक्र भेज दिया और उसने मगरमच्छ को काट डाला। जब काट डाले तो भगवान ने कहा मगरमच्छ को तुम क्या कर रहे हो, तुम उसके चरण को पकड़ कर खून भी चूस रहे हो, उसका चरण क्यों पकड़े हो, बोले सब शास्त्र कहता है जब तक वैष्णव का चरण नहीं पकड़ रहा तब तक जीव का कल्याण नहीं, जब तक वैष्णव का चरण नहीं पकड़ रहा तब तक जीव का कल्याण नहीं। ये हाथी पहले कौन था, ये हाथी कौन था पहले, कहते ये हाथी पहले ये इंद्रदुम्न राजा था, अगस्त ऋषि जब इनकी अगस्त ऋषि जब इनके आश्रम पर आए, वो कर रहे थे ठाकुर को सेवा पूजा कर रहे थे, लेकिन अगस्त ऋषि को देख करके उन्होंने सम्मान नहीं किया, बोला आए बैठ जाएंगे कोई बात नहीं, अभी तो हम ठाकुर को पूजा कर रहे हैं, ठाकुर जी से थोड़ी ही बड़े हो जाएंगे, अभी ठाकुर को पूजा छोड़ कर थोड़ी ही उनकी सम्मान करेंगे। इतने में अगस्त ऋषि को क्रोध आया, बोला हाँ तू तो भजन कर रहे हो, ठाकुर को तो सेवा पूजा कर रहे हो, लेकिन लगता है किसी साधु की अनुगत में तुमने भजन नहीं सीखा, तुम किसी की साधु की अनुगत में तुमने साधन भजन नहीं सीखे हो, इसलिए शास्त्र कहता है प्रथमत्व गुरु पूज्यम ततश्चैव ममार्जनम, अगर भगवान की सेवा पूजा कर रहे हो, अगर उसी समय कोई वैष्णव आ गए, पहले ठाकुर को पूजा को रख लो, ठाकुर जी को पूजा वही रख लो, पहले किसको पूजा करो, साधु को पूजा करो, गुरु जी को पूजा करो, साधु को पहले पूजा करो, है इसलिए भागवत में जो तीन तरह का जो वैष्णव का लक्षण बताया है, कनिष्ठ वैष्णव का लक्षण क्या है, अर्चया में हरे जब पूजा ठाकुर जी को तो साक्षात भगवान मान करके ठाकुर जी को तो पूजा सेवा करता है, उनका भक्तों को अनादर करता है, भक्तों को उतना आदर नहीं करता है, आदर करता है ठाकुर जी को, तो सबसे छोटे हैं। अरे मध्यम कौन है, मध्यम कौन है, बोले भगवान को जितने आदर है, भगवान को जितने महत्व देते हैं, उससे ज्यादा महत्व किसको देते हैं, वैष्णव को, उससे ज्यादा महत्व ये वैष्णव को देते हैं, ये मध्यम है। कहते उत्तम कौन है, सभी के हृदय में जो भगवान को दर्शन करता है, वो शरीर में नहीं देखते, उनके हृदय में परमात्मा रूप में जो भगवान के जो निवास को जो दर्शन करते हैं, वो श्रेष्ठ वैष्णव, वो श्रेष्ठ वैष्णव है। इसलिए यहाँ पर इसलिए ये जो हरिनाम है, ये कहते भगवान से चक्षु, अगर पहले अगर भजन में मन नहीं लगता है, क्या करो, पहले दीवार में लिख लो हरिनाम मंत्र को, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, अगर हरिनाम को देखते हुए हरिनाम करोगे ना, मन बहुत जल्दी शांत हो जाएगा, सबसे सरल उपाय। और दूसरा उपाय है, अगर मन चंचल हो रहा है, भजन में मन नहीं लग रहा है, और सबसे सरल उपाय क्या, तुलसी पौधा को सामने रखो, तुलसी वृक्ष को सामने रख लो, क्यों, तुलसी में भगवान कृष्ण का निवास है, और वृद्धा तुलसी देते ही प्रिया ही थे सर्व सचा, ये कृष्ण की प्रिया है। अगर सामने तुलसी वृक्ष रख करके हरिनाम करोगे,
मन अपने आप का जन्म लेता है, अपने आप का जन्म लेगा, मन इधर उधर भागेगा, मन इधर उधर नहीं भागेगा। इसलिए प्रचक्षु हरिनाम कल्याण जीव का कैसे करते हैं, आंखों से हरिनाम मंत्र की धारण करना, इसका भी कल्याण चक्षु पहले करना, पहले कानों के माध्यम से कल्याण करना है। जैसे अभी हम भगवान के नाम सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, किधर से सुन रहे हैं, किधर से सुन रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, और कानों से सुनने से क्या होता है, भगवान का नाम अंतर में आ रहे हैं। इसलिए कानों का माध्यम भी कल्याण करना, चक्षु करना, उसके बाद में कहते कहते त्वचा, त्वचा मतलब क्या है, ये शरीर है, इस शरीर के द्वारा भी कल्याण करना। बताओ कौन बताएगा, बताओ कि हरिनाम कैसे आंखों को द्वारा देख कर दिया, कानों को द्वारा सुन कर दिया, ये त्वचा को द्वारा कैसे करता है, बोलो क्या बोले जरा सर, त्वचा का द्वारा कैसे कल्याण करना, त्वचा का द्वारा कल्याण करना है। आप देखना कोई कोई व्यक्ति अपना शरीर में हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम शरीर में भी भगवान का नाम है। किस किस को देखना गौरव हरि, यहाँ पर छाती में कोई व्यक्ति गौरव हरि राधे राधे अपना शरीर में भी कभी कभी लिखते हैं। इसलिए भगवान का नाम कोई व्यक्ति जब शरीर को स्पर्श करता है इसको द्वारा भी कल्याण करता है। इसलिए चक्षु करना, आप बताओ नासिका को द्वारा कल्याण कैसे करता है, बोलो नासिका को द्वारा कैसे कल्याण करता है, बोलो कौन बोले हाथ रखना, नासिका को द्वारा कैसे कल्याण, वो तो भगवान के चरण तुलसी हो गया, लेकिन ये नाम कैसे कल्याण करता है, कौन बोलेगा हाथ रखना। आप लोगों ने पहला जो उत्तर दिया ना वो उत्तर है, जैसे यहाँ पर जब भगवान का नाम कीर्तन हो रहे इसकी संपूर्ण वातावरण शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाती है, भगवान के नाम से सारे वातावरण भी शुद्ध हो जाती है। जब हम हरिनाम कीर्तन करते हैं उसका जो श्वास है, भगवान के नाम कीर्तन हो रही है श्वास में जो हवा जा रही है ना, वो हवा से ही पवित्र शरीर कर देता है। इसलिए भगवान का जो नाम है ये शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है। अगर हमने बोल दिया, अगर हम किसको बोल दिया, अरे अरे ये व्यक्ति बहुत अच्छी व्यक्ति है, ये व्यक्ति बहुत अच्छे है, बड़े दयालु है, बड़े कृपालु है, आपका नाम क्या है, जोर से बोलो प्रेम दत्त। अगर हम बोलते भैया प्रेम दत्त प्रभु बहुत अच्छे है, बड़े दयालु थे, बड़े कृपालु थे, बड़े सद्भावना है, सबको आदर देते, खुश हो जाओ, खुल जाओ, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। अगर हम बोलते कि अरे अमुक व्यक्ति बड़ा दुष्ट है, बदमाश है, दूसरों को सताते हैं, नॉनसेंस लिखिए, अगर इसको बोल देते कि आपको गुस्सा हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, ये तो शब्द ही और तो कुछ है नहीं, शब्द ही है। अगर ये साधारण शब्द में इतनी शक्ति है, और जो भगवान का जो नाम है क्या उसमें शक्ति नहीं है, उसमें भी शक्ति है। इसलिए मंगल भवन अमंगल हरि भगवान का नाम, इसलिए बोले मधुरम मधुरम मित्र मंगलम मंगल नाम, भगवान का जो नाम है ये मधुर से भी मधुर है और ये मंगल से भी मंगल भगवान के नाम है, भगवान का नाम। इसलिए पहले जहाँ पर ये हरि कथा हरि कीर्तन हो तो इसको हवा अगर नासिका में प्रवेश करे तो इसको द्वारा भी कल्याण करना है। इसलिए चक्षु करना नासिका करे जिह्वा, कहते जिह्वा के द्वारा कैसे कल्याण करता है, बताओ जिह्वा के द्वारा कैसे कल्याण करती है भगवान का नाम। हम लोग बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ये जो नाम उच्चारण कर रहे हैं ये नाम जिह्वा को स्पर्श करते ही ये जिह्वा को भी ये नाम पवित्र कर दिया,
इसलिए श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं हमारे को ये पांच ज्ञानेन्द्रिय हैं, ये पांच ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा अगर भगवत नाम किसी तरह से स्पर्श हो जाए, किसी तरह से ये स्पर्श हो जाएगा कि भगवान का नाम जीव का परा कल्याण कर देते हैं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, पहले हमारी निष्ठा किसमें होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए भगवत नाम का प्रति, हमारी सबसे पहले निष्ठा भगवान की नाम में होनी चाहिए। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर वो कहते हैं, श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं भैया कौन कितना बड़ा वैष्णव है इसका पहचान किस चीज में, इसकी पहचान किस चीज में, कौन कितने बड़े वैष्णव है इसकी पहचान कैसे, बोले इसकी पहचान ही बता सकते हो कौन मध्यम है, कौन कनिष्ठ है, कौन उत्तम है, या तो उसका पहचान कैसे, किस चीज में पहचान हो, ये उत्तम है, ये कनिष्ठ है, ये मध्यम है, एक बताओ पहचान कैसे होगा, बोलो कौन बोलेगा इसकी पहचान कैसे होगा, ये कनिष्ठ वैष्णव ये मध्यम ये उत्तम से पहचान कैसे, बोलो ध्यान बोल दिया। इसलिए इसका ही एक लक्षण है, अब सब समझ गए कि जिसको मुंह से एक बार नाम उच्चारण हुआ उसको कहते हैं कनिष्ठ है, जो निरंतर नाम करता है ये मध्यम है, और जिसको देखने पर मुंह से प्रभु का नाम आ जाए कहते हैं उत्तम, ये इसकी एक पहचान है, इसकी एक पहचान है, लेकिन उसको ऊपर और क्या पहचान है, तब से भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं इसका पहचान भी कौन कितना निरपराध को साथ में हरिनाम मिला है, निरपराध को साथ में हरिनाम मिलना चाहिए, इसलिए बोले निरपराध नाम ले ले भाई प्रेम धर्म, तभी प्रेम धर्म प्राप्त होगा जब हरिनाम को निरपराध को साथ में, मतलब अपराध को छोड़ करके जब हरिनाम करेंगे तभी वो नाम शुद्ध नाम होगा, है वो शुद्ध नाम होगा। इसलिए बताया जो नाम है दो तरह का नाम है, कितने तरह का नाम है, क्या क्या है, इसलिए दो तरह का नाम है, एक है गौण नाम और एक है मुख्य नाम, एक है गौण नाम और एक मुख्य नाम है, बोले गौण नाम किसको कहते हैं और मुख्य नाम किसको कहते हैं, जो गौण नाम है, जो गौण नाम है वो जो जैसे जगतपति ब्रह्मा परमात्मा जगत का ईश्वर जगत का ईश्वर जिसमें ऐश्वर्य युक्त हो, जिसमें ऐश्वर्य युक्त जो नाम हो हम उसको कहते हैं गौण नाम है। बोले मुख्य नाम क्या है, कि जिसको द्वारा लीला युक्त जो नाम हो, जैसे नारायण है, राम है, कृष्ण है, गोविंद है, मधुसूदन है, ये नाम को बताया ये मुख्य नाम है भगवान की, ये मुख्य नाम, लेकिन मुख्य में भी मुख्य नाम क्या है, अगर वो नाम ब्रज संबंधी हो, ब्रज लीला के साथ अगर जुड़ा हुआ हो ना वो मुख्य से भी मुख्य है, जैसे जसोदा नंदन 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 गोपी जना वल्लभ गोपी कांत राधा रमण रमण बिहारी, कभी जो नाम है ये ब्रज में गोपियों के साथ में राधा जी के साथ में और ब्रज के भक्तों के साथ में जुड़ा हुआ है, यदि जो नाम है ना कभी मुख्य व्यक्ति ये मुख्य ये नाम मुख्य व्यक्ति ये मुख्य नाम है। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने यदि ये जैव धर्म में उन्होंने विभिन्न पुराण से उन्होंने बहुत श्लोकों को उन्होंने उत्थापन करके बताए भगवान के नाम के द्वारा क्या होता है, भगवत नाम में कितने शक्ति, श्री भक्ति विनोद ठाकुर बहुत श्लोकों उन्होंने उद्धृत करके उन्होंने भगवान नाम की उन्होंने महिमा बताए। एक नाम है हरेर नाम हरेर नाम, बात बोलो हरेर नाम
हरे नाम केवल कलहो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। किसको 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 याद है? हाथ उठा लो कौन कौन, किसको किसको याद है, किसको किसको याद, हाथ उठा। इसलिए ये श्लोक को जब याद कर लेना, ये बता सकते हो इस श्लोक कौन सा उदाहरण, कौन सा उदाहरण बता सकते हैं, कौन सा पुराण की श्लोक है? यदि जो पुराण के कल संकर के उपनिषद में है और ये श्लोक गौरव पुराण में है, ये गौरव पुराण में भी है। इसलिए ये जो श्लोक में पता है, पहले तीन बार नाम करो, पहले उसका दूसरे लाइन में भी नहीं नहीं पता है। पहला लाइन में क्या है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम, हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम। दूसरे लाइन में नहीं नहीं नहीं, प्रश्न ही फिर उन्हें ये तीन तीन बार क्यों बताया? एक बार तो बता सकते थे, लेकिन उसमें इसको तीन तीन बार क्यों बताया, क्यों बताया तीन तीन बार बताओ, उसको तीन तीन बार क्यों बताया? एक बार नहीं बोल रही, उन्हें तीन तीन बार क्यों बताया? बोलो कौन बोले, हाथ उठाए, बोलो तीन तीन बार क्यों बताया, एक के बार क्यों नहीं बोल दिया, बोलो। इसलिए कहते किसी बात को हम कहते त्रिसत्य, किसी बात को अगर तीन बार बोल देते ना तो ठोस हो जाता है, वो बात एकदम पक्की हो जाती है, पक्की हो जाती है। इसलिए उन्होंने उसको तीन तीन बार, ऊपर में भी तीन तीन बार और नीचे में भी तीन तीन बार बताया, नहीं नहीं नहीं। तब उन्होंने दूसरा कारण बताया, तीन बार क्यों बताए, उसका दूसरा कारण बताए, हम कलयुग का व्यक्ति, हम कलयुग का व्यक्ति है, एक बार बोलने पर ना हम सुनने वाले नहीं, कोई योग में कोई ज्ञान में कोई तपस्या में बोले तो आप उसको कर दे, थोड़ी सी वो कर दे, थोड़ी सी वो कर दे, हैं? उसको एक बार बोलने पर भी हम वो काम को नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन्हें तीन तीन बार, पहला लाइन में तीन बार और दूसरे लाइन में उन्होंने तीन तीन बार बताया, तो उसका मतलब उन्होंने एकदम ठोस मतलब भगवान का नाम को छोड़ करके और कहीं मत जाओ और योग तपस्या ज्ञान ध्यान कुछ भी मत करो। इसलिए महाप्रभु ने बताया सर्वसिद्धि है, केवल हरि नाम ही रुचि रखो, इसी को द्वारा ही तुमको जीवन में सर्वसिद्धि इसी से ही मिलेगी और कुछ करने का जरूरत नहीं। इसलिए महाप्रभु बोले खाए पे सुई पे जथा तथा नाम ना, खाते पीते उड़ते क्या करो, हर समय हर समय केवल हरिनाम को करो, हर समय केवल ये हरिनाम को, हर समय इसी हरिनाम को करो और कुछ भी करने का जरूरत नहीं। इसी को द्वारा ही जीवन में तुम्हें भगवत प्राप्ति और जीवन में सर्व सिद्धि की प्राप्ति हुई। इसलिए उन्होंने पहला लाइन में तीन बार और दूसरे लाइन में उन्होंने तीन बार बताया। तो दूसरे पुराण में कहते हैं अवसनापि जन्नाम कीर्तते सर्वपातकै पुमान विमुच्यते सद्य सिंहस्तस्त्रे मृगरिव। यत् अवसनापि जन्नाम कीर्तते सर्वपातकै, यदि भगवत नाम को ये भगवत नाम को अगर किसी तरह से किसी तरह से अगर भगवत नाम को अगर कोई उच्चारण करते हैं, जैसे शेर दहाड़ने पर देखना जंगल में जितने सारे जानवर है ना, हाथी का कितने जानवर, अगर शेर अगर दहाड़ मार के आता सब के सब जंगल छोड़कर भाग जाते, क्यों? उनका पता चलेगा भाई शेर आ गया है। उसी तरह जब हम भगवत नाम को उच्चारण करते हैं, जितने काम क्रोध लोभ और जितने अनर्थ है जैसे शेर काटने पर शब्द से भाग जाते हैं, जब व्यक्ति ये हरे कृष्ण महामंत्र को जप करेगा, ये हरि नाम धारण करेगा, इसकी प्रभाव से और जितने सारे इंद्रियां हैं, जितने सारे अनर्थ है, वो सब के सब क्या करेंगे, वो सब के सब भाग जाएंगे वहां से, कोई वहां पर रह नहीं सकता है ये भगवत नाम की उच्चारण के द्वारा। इसलिए अतएव व्याख्यो सभ्य स्मरणात् कीर्तनात्
तदेव विपलम जानति तमनंत नाम महिमा यत आद्य व्याधो जस्य। यदि भगवत नाम से कभी जितने तरह का बीमारी थी कि भगवत नाम से वो सारी बीमारी भी दूर हो जाती। आदि व्याधि हमारे गांव में हमने भी गांव का राधा रमण लाल की हमारे गांव में जब बड़ी बड़ी अनहोनी होने लग जाती थी। गांव था कहीं घर पे आग लग गई कहीं कलरा आ गया। पहले तो कलरा आ गया आग काम पहले इतना दवा दवा नहीं होता था। एक गांव में कलरा लगे तो सारे गांव आसपास का डर जाता था। एक व्यक्ति तो चला गया है लेकिन दूसरे अब दो दिन बड़े पड़े हुए। इसलिए जब हम देखते थे हमारे गांव में जो बड़ी अनहोनी होने लग जाती है बड़े दुखों का स्थान बन जाए हमारे गांव के लोग क्या करते थे ये मृदा और बजरा लेकर के फिर गांव में कीर्तन करना शुरू करते थे। गाँव में कीर्तन करते हुए ब्राह्मण पर अष्ट प्रहर आठ प्रहर तक कंटिन्यू भगवत नाम को बैठा देते और बारी बारी में माइक लगा करके जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र को जपा लेते थे। जब करते ही गांव के जितने कष्ट है गांव के जितने सब दुख कष्ट सब के अपने आप सारे दुख कष्ट अपने आप शांत हो जाता अपने आप शांत हो जाता था हरे कीर्तन से। एक समय में कोई एक साधु था वो साधु किसी गांव में आया। जब वो साधु किसी गांव में प्रवेश किया उन्होंने प्रवेश करते उसने देखा एक राक्षस बड़ा भयंकर एक राक्षस ये गांव से बाहर निकल रहा है। वो साधु ने पूछा भैया तुम कौन हो कहाँ जा रहे हो। उसने कहा आप आ रहे हैं ना इसलिए मैं जा रहा हूं। उनको पता नहीं चला भैया ये क्या कह रहे हैं आप आ रहे हैं तो मैं जा रहा। तब वो साधु जब गांव में आया उन्होंने देखा सचमुच से पूरा गांव गांव परेशानी तरह तरह का दुख कष्ट से क्लेश से पूरा गांव गांव बीमारी दुख दुख कष्ट में पड़े हुए। संत क्या करते बात संत आए हरि कीर्तन किया हरि कथा करना शुरू कर दिया। जब हरि कीर्तन हरि कथा करना शुरू कर दिया गांव का जितने दुख कष्ट था वो धीरे 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 अपने आप सबके सब शांत हो गया अपने आप गांव का सारा परिसर शांत हो गया। उसी तरह अगर हमारे घर में अगर कहीं अशांति दुख कष्ट हो ना हमें कहीं इधर उधर जाने की जरूरत है घर में परिवार संगत बैठ गया सबके सब घर में सबको लेकर बैठ गया बैठ कर क्या करो। अगर बजरा कीर्तन हो अच्छी बात है ढोलकी हो अच्छी बात अगर बजरा ढोलकी नहीं इसलिए महाप्रभु कहते हैं भगवान ने तो हाथ दिया ना ठाकुर जी तो हाथ दिए ना तो हाथ में ताली बजाकर लेकर के कीर्तन करते हाँ महाप्रभु संन्यास लेकर के जाने से पहले महाप्रभु यही उपदेश देकर गए। महाप्रभु ने कहा देखो कलयुग में मैं दो रूप में सची माँ को कह रहे बोले माँ अभी तो तुम मेरी मैया बन करके आए हो और मेरे दो अवतार होने वाले और मेरे दो अवतार होने वाले उसी समय में भी तुम मेरी मैया बन करके आओगे। तब सची माया प्रश्न करती है बोले बेटा मैं दो अवतार किया क्या और मैं क्या मैया तुम्हारी मैया कैसे बनूंगी। बोले एक तो मैया तो बनोगी पृथ्वी रूप में कहते मेरी और एक अवतार जो अर्चा है जो ठाकुर को सुबह पूजा करते हैं ये एक अर्चा है। बोले दूसरा अवतार क्या बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये हरिनाम रूप में जगत में अवतरण होगा। एक तो विग्रह रूप में और एक दूसरे रूप में ये हरिनाम रूप में मैं जगत में प्रकट होगा। जब मैं विग्रह रूप में प्रकाशित होगा तो मेरी मैया बनकर के पृथ्वी रूप में तुम आओ। जब मैं हरिनाम रूप में प्रकट होगा उसी समय मेरी मैया कैसे बनकर बोले जीवा हम भगवान का नाम कैसे उच्चारण करते हैं अपना जीवा में हम उच्चारण करते हैं उसी समय तुम जीवा बन करके मेरी माँ तुम बनोगे और मेरे दो अवतार कलयुग में एक अर्चा और एक भगवान की नाम रूप में भगवान कलयुग में ये अवतीर्ण हुए हैं भगवान है। इसलिए भगवत जो नाम है ये भगवत नाम से सारे दुख कष्ट
दुख दारिद्र ये भगवत नाम से ही दूर हो जाता है। बोले महापात मुक्त भी कीर्तय निश्चय महरी शुद्धांत करण जायते पापी पाद गई महापात मुक्त भी। कहते पापी जो होते हैं ना, कहते पातक अति पातक और महापातक, जो महापातक है वो सबसे बड़ा पाप उनको बताया गया है। जिससे बड़ा पाप दुनिया में कुछ नहीं होता, जैसे गुरु जी को हत्या करना, वैष्णव को मारना, हत्या करना, निंदा करना, जैसे गुरु हत्या करना, वो हत्या करना, ब्राह्मण हत्या करना, अपना पिता माता को हत्या करना, ये सब के सब महापातक है। यदि भगवत नाम में इतने शक्ति भगवत नाम में, इतने शक्ति भगवत नाम में, अगर कोई भगवत नाम का अगर कोई उच्चारण करना, बड़े से बड़े पाप की तुम्हारी हरि नाम कीर्तन से दूर हो जाएगा। आप लोगों ने सुने होंगे चैतन्य भागवत में एक सुबुद्धि राय था, एक कथा सुने हो, सुबुद्धि राय की कथा सुने हो, कौन कौन कथा सुने? यदि सुबुद्धि राय है, ये सुबुद्धि राय एक समय ये मंत्री पद में था और एक जो मुसलमान उसके अधीन में काम करता था, एक दिन वो मुसलमान ने बहुत कुछ पैसा उसने चोरी किया। चोरी करने पर उसको यथा मंत्री पद में, हाँ समझो एक तरह का राजा था सुबुद्धि राय, लेकिन ये हिंदू है। आप देखना हिंदुओं का हृदय बड़े दयालु, एक चिट्ठी तक भी वो सोचते हैं हमसे चिट्ठी तक भी मर गए। ये हिंदुओं का भावना है, सबके हृदय में भगवान के निवास है, किसी जीव को कभी भी तन मन से कभी इसको कष्ट नहीं पहुंचा। अगर किसी की भलाई नहीं कर सकते उसको बुराई भी मत करो, ये हिंदुओं का हृदय स्वभाव में धार्मिक स्वभाव है। उसने चोरी की, ये सुबुद्धि राय उसको मृत्युदंड दे सकता था, लेकिन हिंदू है, इसके हृदय में दया है, लेकिन उसने क्या किया, उसको मृत्युदंड नहीं दिया, एक एक घोड़े लेकर के ना उसको पीठ के ऊपर चाबुक मारे, उसको पीठ में चाबुक मारे, मारे तो उसको पीठ में दाग आ गया। लेकिन भाग्य है, भाग्य है, एक दिन बदलते बदलते क्या हुआ, वो जो मुसलमान था एक दिन वो आ गया राजभवन और जो सुबुद्धि राय आ गया नौकर, मुसलमान के राजा तो कैसे आ गए, वो हिंदू नीचे गिर गया, मुसलमान हो गया राजा और ये हिंदू हो गया उनका चक्कर। एक दिन राजा की जो बेगम, मुसलमान का जो बेगम, उसका जो रानी थी, वो उसका पीठ में तीन टेन लगा रही थी, लगा के लगा के देखा एक बहुत बड़ा दाग पड़ा हुआ। उसने पूछा ये दाग किस चीज के, बोले नहीं कोई बात नहीं, बोले नहीं बताना, मैंने कहा क्या बात होगा, एक स्त्री हट होता है, स्त्री हट जानते हो, स्त्री अगर पीछे बढ़ गई हमें ये चीज चाहिए जब तक इच्छा नहीं पूरा करना तब तक आपको इच्छा नहीं छोड़नी, स्त्री हट गई। बोले नहीं हमें बोलना पड़ेगा क्या चीज क्यों हुआ, वो बताना नहीं चाह रहा था लेकिन पीछे बढ़ गई, हाँ पीछे बढ़ गई। तब उन्होंने सारी बात को सुनाया अपने को, ऐसे 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 हुआ, वो सुबह दिरा है एक दिन रात पद में था, वो हिंदू है मेरे को मृत्युदंड कर दे सकता था लेकिन मृत्युदंड कर नहीं दे, लेकिन कोड़े में केवल मेरे पीठ पर मार के छोड़ दिया। लेकिन अब जो राजा हो गया मुसलमान, उसका जो बेगम पीछे पड़ गई, बोले अभी तो राजा बन गया, प्रतिशोध उसका ले, उसकी प्रतिशोध ले, उसको जान से खत्म कर दो। वो बड़े निर्दय होते ना, मांस को काटते रहते, गैया काटते रहते, इसलिए हृदय में दया दया छोड़ती नहीं, इसलिए बोले उसको जान से खत्म कर दो। बोले नहीं वो मेरे को उसी समय मृत्युदंड दे सकता था लेकिन वो मेरे को छोड़ दिया उसको, इसलिए उसको मैं मृत्युदंड नहीं दे सकता। बोले अगर मृत्युदंड नहीं सकता उसको जात को ले, उसको हिंदू है ना उसको जाति ले लो, उसका भी बदला होता है, उस पर पानी पिला दो, शायद गो मांस का कुछ होता है खिला दो तो जात उसकी चली जाती है। बोले उसको जात को ले लो। बोला हाँ इतना तो कर सकता, तो उसने क्या किया, उसको बदनाम का पानी पिला दिया, जब पानी पिला दिया उसको जात उसकी खत्म हो गई, खत्म हो गई तो उसने पुनः कैसे हिंदू बनेगा,
इसलिए मंदिर मंदिर में गया, सबको उन्होंने पूछा मेरे को कैसे मुक्ति मिलेगी, मैं फिर कैसे, मैं हिंदू कैसे बनू। लेकिन उसको कोई मुक्ति प्रदान नहीं की। सब लोग ने परामर्श दिया एक काम करो, एकदम खौलते हुए जो घी को पी लो। बताओ खौलते हुए घी को पी लो तो क्या हो, जान खत्म। अगर ये नहीं कर सकते, वो जो गड्ढे होता है ना, गड्ढे को बीच में बैठ करके आग लगा दो, धीरे धीरे जलते जलते उस गड्ढे में प्राण को तो त्याग दे, मतलब मृत्यु दंड, कठिन मृत्यु दंड मिलती है। ब्राह्मण लोग बेचारा बड़ा दुखी हो गया, अभी मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, इतने कष्ट तो मैं सहन नहीं कर सकता। ऐसे करते करते उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले। जब चैतन्य महाप्रभु से मिले, महाप्रभु बोले तुम्हें कुछ भी करने का जरूरत नहीं, कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल भगवत नाम को उच्चारण करो। भगवत नाम, भगवत नाम में इतने शक्ति। यहाँ पर पात कही पति पात कही, पापी से पापी को भी। इसलिए बोले, इसलिए भागवत में बोले अशेष अकहरम विदु, एक जन्म नहीं करोड़ों करोड़ों जन्म का पाप को भगवत नाम धुलिसात कर देता है। हाँ बोले श्रद्धया भैलया, श्रद्धा और भैला के साथ में नेग्लेक्ट पूर्वक अगर हंसी मतलब ही करते करते, अरे हरि हरि कृष्ण कृष्ण करने से भगवान क्या उपाय कर दिया, इससे जीव का कल्याण हो जाता है। इतने महिमा भगवत नाम में। बोले देखो एक काम करो, बोले क्या करो, मथुरा गए हो, मथुरा में केशव देव मंदिर में गए, मथुरा में केशव देव मंदिर जन्म स्थान को भी, बोले तुम यही बनना है। यहाँ पर बंगाल से संत लोग आते हैं, और बंगाल के जो संत लोग होते हैं ना, वो सन्न में स्नान करने से बोले सरसों तेल लगाते हैं, सरसों तेल लगाते हैं। और जो उत्तर प्रदेश में रोटी खाने वाले, लेकिन बंगाल का व्यक्ति चावल खाने वाले, अन्न खाने वाले, बोले एक ही काम करो, उनके लिए अन्न खाने का व्यवस्था और उनका शरीर में जो सरसों तेल लगा देना, वो तेल की व्यवस्था तुम करते रहो। और यही पर भक्त लोग आते हैं मंदिर में, सबका चरण धो लेते हैं और यहाँ बैठ बैठ करके बोले कृष्ण नाम करो, वैष्णव का सेवा करो, संतों की सेवा करो। क्यों, संतों का हृदय में भगवान का निवास है। संत सेवा करो और क्या करो, यहाँ पर बैठ बैठ करके हरि नाम करते रहो और तुम्हें कुछ भी करने का जरूरत नहीं, इसी हरि नाम से ही तुम्हारे सारे पाप दूर हो जाए, सारे पाप दूर हो जाए। है बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की, हम जोर से जय करो, बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तथा कहो के विश्राम लेते हैं, फिर इसको आगे फिर हम कल सुनेंगे, क्योंकि मेरे को विदेश जाने का था। लेकिन जो वीजा देने चाहिए वो वीजा देनी चाहिए टूरिस्ट का वीजा, लेकिन उन्होंने दे दिया उल्टा वीजा, और उसके लिए पेपर चाहिए, वहाँ का स्टाफ चाहिए, इसलिए उन्होंने कैंसिल कर दिया। फिर दोबारा फिर एक बार टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर लिया, शायद एक दो दिन को दे देगा मेरे को जा सकता, इसलिए इसलिए और जितना दिन तक रहूँगा फिर नाम की महिमा सुनते रहेगी। नामाभास किया, नाम अपराध किया, प्रतिबिंब नाम किया, छाया नाम भास किया, उसमें बड़ी अच्छी अच्छी विचार करते हैं। हमारे शुद्ध नाम कैसे होगा, शुद्ध नाम कैसे करनी चाहिए, फिर जिसको द्वारा तुम्हें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी, इसकी सब बात बहुत अच्छे तरह से बताए। इसलिए कोशिश करेंगे इस सब बात को जितना जो हो सके सुनने की, ठीक है। अरे बादशाह के उत्तर में सर कृपा से उत्तर में बचा प्रतिकारना को पावनी को एक भी मुलाकात वैष्णव को नमो नमः। हरे कृष्णा गोपाल कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम।